नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एड ऑन रील्स सेटअप कैसे करें। देखो दोस्तों, मैं ऑलरेडी सेटअप कर लिया है, बट आप लोगों के सामने मैं इसको सेटअप करके दिखाऊंगा कैसे करना है। दोस्तों, अगर फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि एड ऑन रील्स, बोनस, स्टार ऑप्शन और इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम एड्स का क्राइटेरिया मेरे को अभी तक पूरा नहीं हुआ, वर्स्ट टाइम तो पूरा हो गया बट फॉलोअर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ। बट इसका पहले मेरे को एड ऑन रील्स मिल चुका है, और दोस्तों एक पेज में नहीं, एक साथ मेरे को दो पेज में एक ही साथ मिल गया। देखो इस पेज में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस पेज में मेरे को एड ऑन रील्स मिला है, मतलब दोनों दोनों पेज में, और मेरा ही पेज है आप लोगों के सामने, ये देखो एड ऑन रील्स दोनों पेज में एक साथ एड ऑन रील्स मिला है। और आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ भाई फॉलोअर्स कितना है मेरा, यहाँ पर 2500 फॉलोअर्स होने वाला है, और एक जो पेज है उसमें 1000 ही फॉलोअर्स हुआ है। इस पेज में कितना हुआ है देखो भाई, सब कुछ आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितना फॉलोअर्स हुआ है, चलो मैं ये देख सकते हो, 1000 फॉलोअर्स भाई। किसी किसी को भाई 50,000 1,00,000 फॉलोअर्स में भी एड ऑन रील्स नहीं मिलता है, मेरे को 1000 फॉलोअर्स में कैसे मिल गया। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, ये जो एड ऑन रील्स कैसे आपका पेज में ऑन करना है, कैसे मिलेगा, फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उस वीडियो देखो, पहले इस वीडियो पूरा देखो, ठीक है, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो वीडियो मिलेगा ना, उस वीडियो अच्छे से देख लो, पूरा वॉच करके देख लो एड ऑन रील्स कैसे मिलता है कोई भी पेज में। और भाई 500, अगर आपके पेज में 500 फॉलोअर्स है ना, फिर भी एड ऑन रील्स मिल जाएगा, अगर मेरा बात मानोगे तो। और नहीं मानोगे तो भाई 50,000 फॉलोअर्स कर लो, फिर भी एड ऑन रील्स आपको मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ भाई रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, कोई फेक वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने इस एड ऑन रील्स को सेटअप करके दिखाऊंगा, अगर आपके पास एड ऑन रील्स है तो इसको सेटअप कैसे करें। मैं तो दोनों पेज में सेटअप कर लिया, बट वो स्क्रीन रिकॉर्ड मेरे पास है, तो आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ भाई कैसे एड ऑन रील्स सेटअप करना है, ओके। और आपको पेज में अगर एड ऑन रील्स ऑन करना है तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो वीडियो है ना, वीडियो देख लो, आराम से मिल जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते, उसके पहले हमारे चैनल को चलो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन प्रेस कर लो। देखो दोस्तों कैसे सेटअप करना है, यहाँ पर देखो एड ऑन रील्स लिखा हुआ है और राइट साइड पे सेटअप लिखा हुआ है, इस सेटअप के ऊपर आपको टैप करना है। सेटअप के ऊपर टैप क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो फुल डिटेल्स है, एड ऑन रील्स इस हेयर क्रिएट रील्स, मतलब आपको रील्स क्रिएट करना है और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, अर्न मनी फ्रॉम एड योर रील्स। तो आपको करना क्या है, यही मतलब सब कुछ है, बट डिटेल्स लिखा हुआ है आपको। गेट नीचे गेट स्टार्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस है, देखो यहाँ पर देखो मेरा नाम है और इंडिविजुअल, तो आपको आपका जो नाम रहेगा इंडिविजुअल लिखा होगा वहाँ पर टिक मार्क करके आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। आप न्यू बिजनेस इन्फो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टैप कर दो। देखो उसके बाद ऐसा कुछ आएगा, देखो भाई उसके बाद नीचे देखो फिनिशिंग सेटअप ये करना है। सेटअप मैंने पहले से करके रखा था, क्योंकि मेरा जो पेज है ना, मेरा जो प्रोफाइल में स्टार ऑप्शन इनेबल है, तो स्टार ऑप्शन जब इनेबल था उस टाइम पे वहाँ पर सारे प्रोसेस मैंने फिलअप कर दिया, मतलब आपको नाम देना पड़ता है, उसके बाद कंट्री देना पड़ता है, ठीक है। मैं एक स्क्रीनशॉट दे के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टार्ट अर्निंग पे नहीं होगा, क्योंकि नीचे जो सेटअप है ना, फिनिश सेटअप, ये सेटअप कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फिनिश सेटअप के ऊपर जब आप लोग टैप करोगे तो भाई किस तरह का आएगा, मैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा आएगा। आपको नाम देना पड़ेगा, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, बिजनेस टाइप इंडिविजुअल रहेगा, आपका फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा, मैं थोड़ा ब्लर करके रखा हूँ। उसके बाद और भी कुछ मांगेगा, ठीक है, जितना मांग रहा है भाई सब कुछ कंप्लीट कर दो। आपका जो टैक्स इन्फो मांग रहा है उसको भी कंप्लीट कर दो। टैक्स इन्फो मतलब आपका पास होना चाहिए पैन कार्ड, पैन कार्ड का भी डिटेल्स आपको भरना पड़ता है यहाँ पर, ओके गाइस, फुल मतलब टैक्स इन्फो तो देना ही पड़ेगा। और बैंक डिटेल्स मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर बैंक डिटेल्स मेनुअली लिंक के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल्स आएगा, जैसे कि आपको
पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम मतलब आपका नाम होगा, उसके बाद स्विफ्ट कोड। देखो भाई स्विफ्ट कोड एक एक बैंक का भाई स्विफ्ट कोड होता है, तो मेन ब्रांच पे जाओ और वरना आपको मैनेजर को बोलो, और उसके बाद देखो अगर बैंक नंबर देना पड़ेगा। अगर स्विफ्ट कोड आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो गाइज आप बैंक पर जाओ, बैंक पर जाके भाई मैनेजर को बोलो भाई मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, तो बोल देगा। और देखो यहाँ पर स्टेट बैंक का जो है ना लिखा हुआ है ना, मैं पूरा सेटअप करके रखा हूँ यहाँ पर, मैं पूरा टैक्स इन्फो टैक्स मतलब जो पैन कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है वो भी मैंने डाल दिया, मेरा नाम एड्रेस सब कुछ डालना पड़ता है भाई। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर टिक मार्क करना है और लिंक पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है, हो जाएगा। पहले से मैं स्टार ऑप्शन इलेवल करके रखा था ना, इसलिए मैंने फुल डिटेल्स मैंने भर दिया था। गाइस आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो भाई कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सक्सेसफुली यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी फॉर एड ऑन योर रील्स, सब कुछ सही है। और भाई कैसे कैसे पैसे मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा आपको, जस्ट नीचे यहाँ पर डन लिखा होगा, आपको डन के ऊपर आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं, ठीक है। डन के ऊपर क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर मेरे को मिल चुका है, ऊपर में गो टू पॉलिसी इशू, पॉलिसी इशू आते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अर्निंग भी देखो शुरू हो गया।